हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच आर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जी मेंस एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स हियर। द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हियर, वन मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस अंडरगोज द प्रोसेस ए टू बी इन द गिवन पीबी डायग्राम, द स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस इज एंड फोर ऑप्शन आर गिवन टू। इस डायग्राम में आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है इस प्रोसेस के लिए। ए पॉइंट इज हियर, बी पॉइंट इज हियर, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है। हम अच्छी तरह जानते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट को सॉल्व करने के लिए हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हीट सप्लाइड हमारे पास डी क्यू है, एम इज द मोल इज हियर, नंबर ऑफ मोल्स बीइंग यूज्ड हियर, सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड डी टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रॉब्लम में आपको वन मोल मोनोएटॉमिक गैस गिवन है, इट मीन्स म्यू इक्वल टू वन, और गैस कौन सी हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये होता है एफ इज इक्वल टू 3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट की अगर बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी क्यू कितना हो जाएगा, इट इज हियर सी डी टी एंड देयरफॉर स्पेसिफिक हीट सी बिकम हियर डी क्यू बाई डी टी। अब इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करते हैं। डी क्यू वी नो वेरी वेल, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इट बीइंग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपॉन डी टी। यहां से स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब आपको यहाँ पे डी यू को सॉल्व करना पड़ेगा, और डी यू का रिजल्ट हम जानते हैं किसी प्रोसेस के लिए जो डी यू होता है वो होता है म्यू सी वी डी टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वन है। डी यू कितना हो जाएगा, सिंपली सी वी डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट बन जाएगा सी बिकम हियर, इट इज सी वी डी टी ओवर डी टी प्लस डी डब्ल्यू वर्क डन अपॉन डी टी इज हियर। अब यहाँ पे डी टी कैंसल आउट हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट बिकम सी वी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहाँ पर हमें सी वी को भी सॉल्व करना पड़ेगा एज वेल एज वर्क डन डी डब्ल्यू, और जो चेंजिंग टेम्परेचर डी टी है इसको भी ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ हम अच्छी तरह जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। यहां पर हम इस पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया सॉल्व कर सकते हैं, इट बिकम हियर ए ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के एरिया हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रेपेजियम यहां पर बना हुआ है दिस वन, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हमारे पास है उनको हम मेंशन कर देंगे। पैरेलल साइड कितना है यहाँ पे, 3P0, ये साइड है आप देख सकते हैं, और ये वाली साइड कितनी है, इट इज हियर 6P0 प्लस 6P0 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 5B0 - V0, इट इज हियर 5B0 - V0। सॉल्व कर दीजिए, इट बिकम हियर हाफ ऑफ, इट इज 9P0 इनटू, इट इज हियर 4P0, 9P0 इनटू 4P0। इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी हियर 9 to 18P0 V0। तो ये वर्क डन हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहां पे आपको चेंज इन टेम्परेचर डी टी को सॉल्व करना पड़ेगा गिवन प्रोसेस के। अब जो डी टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, इट इज हियर T2 - T1, डी टी इज इक्वल टू T2 - T1। अब यहाँ पे टेम्परेचर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर डी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने, वन है, तो म्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ चेंज कर दें, टी कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू की वैल्यू वन हो गई, इट बिकम यर पीवी बाई आर। तो आपको टी टू चाहिए, तो टी टू कितना हो जाएगा, P2V2/R - T1 is P1V1/R। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ से देखते हैं P2V2, तो P2 इज हियर 6P0 and V2 is here 5V0. It become here 6P0 into 5V0 upon R minus P1 V1. It is given to you. P1 is 3P0 and V1 is V0. 3P0 into V0 upon R is here. It become here 1 upon R into 30 of P0 V0 minus 3P0 V0. It become here 27 P0 V0 by R। इस तरह से आपने यहां से वर्क डन सॉल्व कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर हमने सॉल्व कर दिया है।
ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं यहां पर। तो यहां सी कितना हो जाएगा, सी वी प्लस वर्क डन कितना सॉल्व हुआ हमारा, इट इज हियर 18 पी नॉट वी नॉट अपॉन डी टी, चेंजिंग टेम्परेचर कितना है 27 ऑफ पी नॉट वी नॉट बाई आर, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा और इसको हम चेक कर सकते हैं 9 टू जब 18, 9 3 जब 27, इट कम्स आउट टू बी सी इज इक्वल टू सी वी प्लस 2 आर बाई 3। अब हमें मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी वी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो सी वी होता है, सी वी इज इक्वल टू सिंपलेस्ट वन एफ आर बाई 2, और यहां पे एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, वी नो वेरी वेल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, 3 आर बाई 2। तो सी वी का वैल्यू हम यहां से यहां पुट कर देंगे, स्पेसिफिक इट बिकम हियर 3 आर बाई 2 प्लस 2 आर बाई 3, इट बिकम हियर, यहां से आपने एलसीएम ले लिया इसका, इट बिकम हियर 3, इट बिकम हियर 9 आर प्लस 4 आर एंड 13 आर बाई 6। तो जो स्पेसिफिक हीट होगा इस प्रोसेस में वो कितना आ जाएगा, 13 आर बाई 6 आ जाएगा, एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीवी डायग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस फॉर अ सर्टेन प्रोसेस ए टू बी इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द हीट गिवन टू द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी। यहां पे प्रोसेस आपको ए टू बी गिवन है, तो इस ए टू बी प्रोसेस में हीट गिवन हमें कैलकुलेट करनी है, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसकी हम बात करते हैं। जो हीट गिवन आपने कैलकुलेट करना है, तो हीट गिवन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फ्लोट हमारा ये बोलता है कि dQ हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इज इक्वल टू dU प्लस dW। अब यहां पे आपके पास 2 ग्राम हीलियम की बात हो रही है, तो हीलियम की जब हम बात करते हैं, हीलियम गैस मोनोटोमिक गैस है और यहां पे 2 ग्राम इसका मास की बने, तो जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स म्यू इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है प्लस 2 ग्राम है, मोलर मास कितना होता है 4 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, हाफ हो गए। तो अगर हमें प्रॉब्लम में इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं। अब यहां पे आपको डीयू एंड डीडब्ल्यू वर्क डन इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इस डायग्राम में देख रहे हैं तो यहां से इजिली वर्क डन सॉल्व हो सकता है, तो वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन फ्रॉम डायग्राम वी नो वेरी वेल इज द एरिया अंडर पीवी ग्राफ, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। यहां पे जो पीवी ग्राफ हमारे पास है, इट बीइंग अ ट्रेपेजियम, ये हम देख रहे हैं यहां पे ट्रेपेजियम यहां पर है, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड इज पी नॉट हियर प्लस दिस साइड इज 2 पी नॉट इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये कितना हो जाएगा 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, इट बिकम हियर हाफ 3 पी नॉट इनटू वी नॉट, इट बिकम हियर 3 बाई 2 पी नॉट वी नॉट। तो ये आपने वर्क डन को सॉल्व कर दिया है, लेट यू सॉल्व हियर डी यू। तो किसी प्रोसेस में डी यू जो हम यूज करते हैं इज इक्वल टू म्यू सी वी डी टी। अब यहां पर जो गिवन गैस है वो हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस के लिए सी वी हमें नोन है, सी वी यहां पर हो जाएगा हीलियम गैस के लिए वो होता है एफ आर बाई 2, और एफ की वैल्यू हीलियम मोनोटोमिक गैस है तो 3 आर बाई 2, ये सी वी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहां से इसको यूज कर लेंगे। अब यहां पे डी टी भी आपको सॉल्व करना है, तो डी टी जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा म्यू सी वी डी टी इज टी टू माइनस टी वन। अब किसी प्रोसेस में गैस के लिए जो टेम्परेचर हमें निकालना है, तो हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो यहां से टी कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर पी वी अपॉन म्यू आर, ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं तो डी यू बिकम हियर म्यू सी वी टी टू बिकम हियर टी टू वी टू अपॉन म्यू आर माइनस टी वन बिकम टी वन वी वन अपॉन म्यू आर। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे म्यू सी वी अपॉन म्यू आर इज टेकन आउटसाइड एंड इट बिकम हियर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब यहां से म्यू कैंसल आउट हो जाएगा, डी यू बिकम हियर सी वी बाई आर इंटू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब यहां से डायग्राम से हम देख सकते हैं पी टू वी टू कितना है, P2 यहाँ पे 2P0 है, V2 कितना है 2V0 है, P1 कितना है P0 है एंड B1 कितना है V0 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो DU बिकम हियर 1 अपॉन R, CB हमने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे 3R by 2, ये आपने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हो जाएगा 2P0
इनटू टू वी नॉट, ये आपने वी टू पुट कर दिया और पी वन वी वन आपको नोन है पी नॉट इनटू वी नॉट। अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, डी यू बिकम हियर इट इज 3/2, यहां से हमने आर सर को कैंसल आउट कर दिया, 4 P0 P0 माइनस P0 P0, इट बिकम हियर 3/2 इंटू 3 P0 P0 एंड इट बिकम हियर 9/2 P0 P0। यहां से आपने डी यू को सॉल्व कर दिया, ये डी यू सॉल्व हो गया यहां से, और यहां से हमने वर्क डन को सॉल्व कर रखा है 3/2 P0 P0। तो टोटल हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा dQ इज इक्वल टू dU प्लस dW। dU हमने सॉल्व किया है 9/2 P0 V0 प्लस वर्क डन इज हियर 3/2 P0 V0, इसको सॉल्व कर लेंगे इट बिकम हियर 12 P0 V0/2 एंड इट कम्स आउट टू बी 6 P0 V0, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे योर करेक्ट आंसर इज बी हियर।